सो आज की क्लास में हम लोग किसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टाइम एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि कोई भी किसी भी ऑपरेटर के की जो एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के लिहाज से कैसे इवॉल्व करती है और उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और देन फिर हम इसको आगे जाके रिलेट करेंगे अगली क्लास में एरनफेस्ट थ्योरम के साथ। सो लेट स्टार्ट के टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमको बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं है ये और अगले लेक्चर के सिर्फ मैथमेटिक्स है और इसमें मैं ग्रिफिथ्स की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। आपको ये टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा किस पहले या दूसरे चैप्टर में मौजूद हैं। सो हम लोग किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किसी भी ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिफाइन करते हैं साई स्टार। सो यहाँ पर जो साई होगा वो कैपिटल साई है, मैं लेकिन उसको स्मॉल साई की तरह लिख रहा हूँ। बेसिकली पोजिशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। इसको मैं डीजे लिख देता हूँ, डिफरेंशियल है सिर्फ वो इंडिकेट कर रहा है कि ये पोजिशन और टाइम दोनों का डिफरेंशियल है। मैं बहरहाल यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता हूँ कि साई इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, ताकि कोई कन्फ्यूजन आ रही है इसमें। जब हमने टाइम एवोल्यूशन डिस्कस करनी तो हमें इसका टाइम डेरिवेटिव लेना होगा। इधर तो एक ही आपके पास वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल टी और ये वो पूरी चीज़ है जिसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ओके सो इसका डेरिवेटिव, पहली टर्म का डेरिवेटिव पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल टी ए साई प्लस पार्शियल साई स्टार पार्शियल ए बाय पार्शियल टी साई प्लस साई स्टार ए पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। सिंपल जिस तरह हम कैलकुलस में डेरिवेटिव्स लेते हैं। देन इन टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सिर्फ सेकेंड टर्म को पहले लिख लेते हैं और बाकियों को ऐसे ऐसे रहने देते हैं। साई स्टार पार्शियल ए बाय पार्शियल टी साई प्लस पार्शियल साई स्टार और पार्शियल टी ए साई प्लस साई स्टार ए पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसके नीचे नंबर्स लिख देता हूँ। सो ये मेरी पहली टर्म थी, ये दूसरी और ये तीसरी। सो यहाँ पर ये मेरी दूसरी टर्म आ गई, ये पहली है और ये तीसरी ऐसे टिस रही। इसको मैं कह देता हूँ कोई यह नंबर वन। ओके सो ये चीज़ इसके बराबर है। अब हमने यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक चीज़ तो आप बहुत इजीली वैसे ही देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ये पार्शियल ए बाय पार्शियल टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है बाय डेफिनेशन। हाँ सो अब हमने इन दो टर्म्स को सॉल्व करना और देखते हैं कि ये हमें क्या लीड करती हैं। ओके सो ये किस तरीके से करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है रेफरेंस के लिए, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ई साई एच साई, सो ये आपके पास ई की वैल्यू होती है पार्शियल बाय पार्शियल टी साई एच साई। पार्शियल साई बाय पार्शियल टी आपके पास बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा बाय एच बार एच हैट साई के
और इसी तरीके से इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आयोटा बाय एच बार एच साई स्टार। सो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये चीज़ असल में बराबर होती है बी स्टार ए स्टार की। हमने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में डिस्कस किया था कि सो इक्वेशन नंबर वन, अब आपके पास बन जाए कि ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं उसमें। मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करता हूँ टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। साइ स्टार पार्शियल ए बाय पार्शियल टी साइ प्लस साइ, ये वाली वैल्यू लिखते हैं साइ स्टार की, एटा बाय एच बार एच हैट साई स्टार ए साई माइनस, ये वाली वैल्यू आएगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, साई स्टार ए एच साई, और ये हमारे पास इंटीग्रल हो गया क्लोज। सो अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ इस पूरे टर्म में से आपके पास आयोटा और एच बार कॉमन आ जाएगा, उसे कॉमन कर लेते हैं और हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी इस कॉमन फैक्टर सो ये आपके पास कुछ फॉर्म बन रही है इस तरीके से कि डी ए बाय डी टी इसका इंटीग्रल भी अलग कर लेता हूँ प्लस साई स्टार आयोटा ओवर एच बार साई स्टार एच स्टार ए साई माइनस ए साई माइनस साई स्टार ए एच Okay, so ये वाली टर्म तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, यहाँ से हम आयोटा ओवर एच बार को बाहर ले लेते हैं, ये साई स्टार सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने जब साई स्टार को यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, लिखना था मैंने मल्टीप्लाई जब कर दिया साई स्टार को तो हाँ, क्योंकि सो यहाँ पर आपका साई स्टार एच स्टार आएगा और देन ये ए वाई साई वाली टर्म एज इट इज आएगी, सो साई स्टार एच स्टार ए साई एज इट इज आ गया। सो ये आपके पास साई स्टार और यहाँ से साई कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें जैसे आपने इसमें देखा था कि लेफ्ट एंड राइट का की मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, तो साई सारे लेफ्ट पे आ रहे थे इसलिए मैंने उनको लेफ्ट पे कॉमन ले लिए, और जो साई स्टार सारे राइट पे आ रहे थे वो मैंने सारे राइट की तरफ बाहर निकाल लिए। सो मैं इनको अपोजिट नहीं कर सकता क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में मल्टीप्लीकेशन यूएल अलजेब्रा की तरह नहीं होती, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। सो ये आपके पास, और आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर डेफिनेशन है ये असल में कम्यूटेटर की डेफिनेशन है।
so psi star h psi. तो यहाँ पर हमें एक सॉरी यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्लियर डिफाइन कर लेनी चाहिए पहले. जो है एनर्जी होती है, एनर्जी एक रियल ऑब्जर्वेबल है. सो जो जितने भी आपके पास रियल ऑब्जर्वेबल होते हैं उनके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उन्हीं के बराबर आता है, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती क्योंकि उनमें कोई कॉम्प्लेक्स फैक्टर नहीं होता. सो लिहाजा आप कह सकते हैं कि एच स्टार इज इक्वल टू एच के बराबर है. सो एच स्टार माइनस ए एच असल में बराबर है एच ए माइनस ए एच के, और ये डेफिनेशन है कम्यूटेटर की. सो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा. यहाँ पर कम्यूटेटर इंसर्ट करें. तो ये जो चीज़ है ये इस पूरे एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है. ये चीज़ असल में इसके बराबर है बाय डेफिनेशन. इसको इंसर्ट कर देते हैं और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा. प्लस आयोटा ओवर एच बार एच साई, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. ऑर्डर रिवर्स करते हैं, एक माइनस का साइन बाहर आएगा, आयोटा को नीचे रहेगा, एक माइनस और आएगा, तो ये अगेन पॉजिटिव रहेगा. सो ये दो फैमिलियर एक्सप्रेशन है आपके पास टाइम एवोल्यूशन के, और अभी इनको हम इस्तेमाल करके पोजिशन और मोमेंटम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन को ड्राइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सर यहाँ पर हम साथ ही एक स्पेशल केस को भी डिस्कस कर लेते हैं. स्पेशल केस आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल टाइम इंडिपेंडेंट आए, टाइम के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, तो ये जीरो होगा, और साथ में अगर उसकी हैमिल्टोनियन के साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी जीरो हो, से ये अगर एच के बराबर है. तो अगर आपका जो एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एनर्जी टाइम के लिहाज से कंजर्व रहती है. सो अगर आप ए की जगह एच कंसिडर करें तो आप यहाँ पर कहते हो ये वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा. सो आप फिर कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल की मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल जिसकी जिसका कम्यूटेटर एच के साथ जीरो आता हो और वो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करता हो, सो देन उस केस में आपके पास ये टर्म जीरो के बराबर हो जाएगी. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो ए है ये कॉन्स्टेंट है. इस तरह के कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन कहा जाता है. सो जो के पास ऑब्जर्वेबल ए है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएगा. ये वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम किसी को किसी और कोर्स में डिस्कस करेंगे किसी और टाइम में कांस्टेंट ऑफ मोशंस और की असल फिजिक्स क्या है हमारे पास. तो फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू.